हेलो एवरीवन, आज है 22 नवंबर 2021 और आज हम फिर से रेडी अपनी करंट अफेयर्स के एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साउथ स्टार। साउथ इंडिया में फोर्ब्स लिस्ट को किसने टॉप किया एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साउथ स्टार? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रश्मिका मंडाना। रश्मिका मंडाना जिसने फोर्ब्स लिस्ट को टॉप किया है एज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साउथ स्टार ऑन इंस्टाग्राम, उनके इंस्टाग्राम पे 24.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करें रश्मिका मंडाना के प्रोफेशन के बारे में, तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मॉडल, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी करियर को एक स्लाइड दिया और एक्ट्रेस बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोड बुक टाइटल्ड स्टार्स इन माई स्काई। एक बुक जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई, उसके राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उन्होंने अपनी सेकंड बुक लिखी है जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई। इस बुक के ज़रिए दिव्या दत्ता एक अपनी इमोशनल जर्नी शेयर करती हैं कि वो कैसे पहले एक्टर और बाद में एक आर्टिस्ट बनी। स्टार्स इन माई स्काई जो कि दिव्या दत्ता ने लिखी है, उसे पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज़ गोइंग टू रीनेम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसे किसने रीनेम किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख देगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत से रेलवे स्टेशंस का नाम चेंज किया है। फॉर एग्जांपल, अलाहाबाद टू प्रयागराज, पहले उसका नाम था अलाहाबाद लेकिन बाद में चेंज करके हो गया प्रयागराज। और मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूट। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हूट, उसे किसने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रजनीकांत। तमिल फिल्म सुपरस्टार जिनका नाम है रजनीकांत, उन्होंने वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया हूट, जो कि उनकी खुद की बेटी सौंदर्य उनकी वॉइस पर रखा गया है। अब इस सोशल मीडिया की बात करें जिसका नाम है हूट, तो ये ऑफर करती है 60 सेकंड के लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन, या फिर चाहे तो एक रिकॉर्डेड वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन या फिर फॉरेन लैंग्वेज में हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्टेट इनॉग्यूरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। कौन से स्टेट ने होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का आइडिया इनॉग्यूरेट किया, मतलब किसने उद्घाटन किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है पिनरई विजयन, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का इनॉग्यूरेशन किया। और ये जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी वो COVID-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन थे, उन्हें दी जाएंगी। इस इनिशिएटिव को लिया गया है, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा, और ये डायरेक्ट किया था, मतलब ये सजेस्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम ऑफ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। पूरे इंडिया की पहली ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर बेस्ड है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र पैसेंजर। ब्रह्मपुत्र पैसेंजर जो कि इंडिया की पहली ट्रेन बनी है जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर, और ये स्टार्ट हुई है कामख्या स्टेशन ऑफ गुवाहाटी पर, और इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ये एक डेवलपमेंट है टुवर्ड्स पॉल्यूशन फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये पॉल्यूशन फ्री भी है, ये एयर पॉल्यूशन भी नहीं करती, और साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ये चीप एक ट्रांसपोर्टेशन माना गया है क्योंकि इसमें लागत भी कम है। ये पहली ऐसी ट्रेन बनी है जो कि एंटायरली रन करती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड ये एक पहली ट्रेन है जो कि स्टार्ट की गई है कामख्या स्टेशन गुवाहाटी असम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच कंट्री इज़ द पुअरेस्ट अमंग ऑल। पूरे वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोस्निया। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है उसमें दो कंट्री का नाम आता है, एक है बोस्निया, दूसरा है हर्जेगोविना।
जो कि दोनों यूरोप से बिलोंग करती हैं। इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 40% है, मतलब पूरे यूरोप में ये जो दो कंट्री हैं बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है, मतलब 60% लोग ही काम करते हैं, बाकी 40% लोग बेरोजगार हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर जिबूटी एंड कोंगो, और इसकी जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ 7.46 यूरोज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बुक नेम्ड सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन इज़ रिटन बाय, एक बुक जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, इसे किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शफी किदवाई। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, इसे लिखा है शफी किदवाई ने, और ये बुक इंटायरली बेस्ड है सर सैयद अहमद खान पे, जो कि फाउंडर है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। अब बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो वो एक इस्लामिक प्रेगमेटिस्ट थे, मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है यथार्थवादी, और एक रिफॉर्मर, फिलोसोफर और एक एजुकेशनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। फर्स्ट लद्दाख बर्ड्स फेस्टिवल गॉट इनॉग्रेटेड एट, पूरे इंडिया का पहला बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेह। लेह के सीईसी जिनका नाम है तशी ग्यालसन, उन्होंने 3 दिन का पूरे इंडिया का पहला बर्ड्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया है लेह में, और इस ओकेजन में ताशी ग्यालसन ने ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख का स्टेट बर्ड कंसिडर कर लिया है ऑफिशियली। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। रिसेंटली प्रभाकर जोग पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, हाल ही में प्रभाकर जोग की डेथ हो गई, वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वायलिन। एक जाने माने वायलिनिस्ट जिनका नाम है प्रभाकर जोग, उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू एज रिलेटेड इश्यूज, और उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 89। उन्होंने 80 से ज़्यादा सोलो प्रोग्राम्स परफॉर्म कर चुके हैं, सोलो प्रोग्राम मतलब पूरे स्टेज पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकेले रहकर पूरा प्रोग्राम संभाला है, और वो पार्ट थे गिनायर वायलिन शो के, जिसे ब्रॉडकास्ट किया था इंडिया और दुबई में। अब बात करें जोग की, तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ म्यूजिशियन एंड कंपोजर, और उन्होंने इस करियर को 60 साल दिए हैं, और सिर्फ हिंदी ही नहीं उन्होंने मराठी फिल्म में भी म्यूजिक दिया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।